कोसाइंस के साथ कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होंगे जो कि उस पर्टिकुलर कोसाइन जिस फ्रीक्वेंसी का कोसाइन है उसकी नेचर uh, को बता रहे हैं नेचर के बारे में बता रहे होंगे उसकी डोमिनेंस के बारे में बता रहे होंगे कि ये कोसाइन कितना आपके सिग्नल को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है सेम केस विद साइन तो आप समाइंस और साइंस अपना एक कोई भी पीरियडिक सिग्नल बना सकते इसके अंदर जो उमेगा आपको नजर आ रहा है वो है टू पाई टी और टी क्या चीज़ है पीरियड क्योंकि आपका सिग्नल जो है ना वो, वो पीरियडिक होना लाजमी है तभी जाके आप ये फोर एयर सीरीज की तरफ जाएंगे अब इसमें जो ए नॉट है वो ए नॉट आपके के सामने है। ए नॉट किसके इक्वल है टू बाई टी माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू ये मतलब कंप्लीट पीरियड है और एफ एफ टी एफ एफ टी क्या है हमारे पास जो सिग्नल है जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं जिसको हम रिप्रेजेंटेशन जिसकी चाहते हैं वो आपने लिख लिया इसी तरह एन और बी एन भी हो गए अभी एन जो है यह तो 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 सेम केस यहां पर है जब ए थ्री होगा तो यहां पर टू बाई टी माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एफ टी कॉस थ्री ओमेगा टी अगर यहां पर थ्री है तो यहां पर भी थ्री आ जाएगा अब इस पूरी जो इक्वेजन है इसको हम मैटला में जाके देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगी और साथ साथ हम कोई भी पीरॉडिक सिग्नल बनाते हैं और उसको इन इक्वेशन के ज़रिए इस फोरियर सीरीज़ के जरिए अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि क्या ये वाकई उसके करीब करीब बनाता है कि नहीं बनाता तो इसके लिए हम पहले लेते हैं एक स्क्वायर वेव स्क्वायर वेव के लिए मैं एफ एस अपना हंड्रेड रख लेता हूँ जो कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है टाइम पीरियड मैं टू रख लेता हूँ ओमेगा नॉट जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ओमेगा वो टू पाई बाई टी है तो मैं इसको कह देता हूँ ये टू मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय टी इसके बाद एक क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं हम आ, एक स्क्वायर वेव बना रहे हैं पहले से खुद देखेंगे कि स्क्वायर वेव कैसे दिखती है उसके बाद उसे अप्रोक्सीमेट करते हैं यूजिंग दीज इक्वेश्स तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल के यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ये वेरिएबल के क्या होगा एक्सेज होगा स्क्वायर वेव का ठीक है तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं कितनी बड़ी हमने स्क्वायर uh, वेव बनानी है ये बताएगा तो मैं टेन सेकेंड्स की एक स्क्वायर वेव बना रहा हूँ माइनस वन डिवाइड बाई एफ एस ये टेन सेकेंड्स की एक स्क्वायर वेव बन गई अब इसमें स्क्वायर वेव बनाने के लिए आपको मैटलैप का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ कर लेते हैं स्क्वायर स्क्वायर में हमने क्या क्या लिखना है हमने लिखना होता है टू मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय एफ मल्टीप्लाई बाय टी जो कि हमारे पास ओमेगा नॉट ही है ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय के ठीक है जो एक्स एक्सिस था उसका और साथ में फिफ्टी लिख देता हूँ ताकि पता चले कि इसका ड्यूटी साइकिल जो है ना वो फिफ्टी है राइट तो अगर आप इसे दस सेकेंड का कर नहीं करना चाहते तो आप कम भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे आ, आप फाइव भी कर सकता हूँ ये आपकी मर्जी है तो आप इसे प्लॉट करके देखते हैं ठीक है प्लॉट के अगेंस्ट वाई इसको देखते हैं कि ये किस तरह नजर आती है तो ये आपके सामने स्क्ट तो यह जीरो से लेकर लेके टू तक इसका जीरो से लेकर टू मतलब टी इक्वल टू टू क्या बन गया इसका टू सेकेंड में यह अपना साइकिल कंप्लीट कर रही है टाइम पीरियड बन गया ठीक है फिर बाद में टू से लेकर फोर फिर तो भी टू टू सेकेंड्स में कर रही है और इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे राइट अभी मैंने पाँच सेकंड की बनाई है तो इसमें तकरीबन ढाई साइकिल्स आपके पास आ जाएंगे अब ये फिगर तो हमने बना ली आ, फिगर तो बना ली अब हम ऐसा करते हैं कि इसी फोर इसी सॉरी इसी स्क्वायर वेव को हम इस फोर सीरीज़ के ज़रिए अप्रोक्सीमेट करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ पे पहले तो हमें ये इंटीग्रल्स लेने पड़ेंगे और इंटीग्रल्स के लिए हमें एक आ, कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो इसलिए हम उस वेरिएबल को पहले से सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं राइट right? उसके बाद uh, इसके अंदर आप इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन नज़र आ रही हैं इसके अंदर ओमेगा यूज़ होगा और टी यूज़ होगा टी टी हमने वही यूज़ करना है जिसको हम अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं जिस वेव को जिस सिग्नल जिस पीरियडिक सिग्नल को आप अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड उसका यूज़ करेंगे राइट right? और इसी तरह उमैगा नॉट भी उसी का ही होगा उसके बाद बात आती है कि आप कितने नंबर ऑफ कोफिशंट्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि वन से लेकर इन्फिनिटी दी है तो इन्फिनिटी तो हम नहीं कर सकते वहां तक तो हम नहीं जा सकते तो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम ऐसे करते हैं कि अभी फ़िलहाल पाँच कोफिशंट्स निकालते हैं मतलब ए एन कितने निकलेंगे पाँच ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव इसी तरह बी एन कितने निकलेंगे वो भी पाँच निकलेंगे b1 b2 b3 b4 b5 ठीक है तो मैं n की कैपिटल n ले लेता हूँ उसकी वैल्यू फाइव कर देता हूँ ठीक है और एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ वन से लेकर एन तक अब ये एन के पास क्या होगा एन के पास इंफॉर्मेशन है जो एन के पास एक वेक्टर है जिसमें क्या पड़ा हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव अब ये वेक्टर जिस भी फंक्शन में जाएगा तो आपको पांच वैल्यूज रिटर्न करके देगा तो इसलिए मैं इस वेक्टर को इस इंटीग्रेशन में जब इंक्लूड करूँगा तो मेरे पास ए एन की फाइव वैल्यूज़ आएंगी इसलिए मैंने इसे एक वैक्टर बना दिया पहला पहला काम हम ये करते हैं कि ए ज़ीरो फाइंड करते हैं जो कि एक्चुअली हमारा डी कंपोनेंट है तो ए ज़ीरो के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है वो एक नज़र आ रहा है टू डिवाइडेड बाई टी टी कहाँ से आया है टी वही है जो कि जिस सिग्नल को आप अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं उसका आपने टाइम पीरियड मैंशन किया और उसके बाद आप, आपने इंटीग्रेशन कैलकुलेट इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट होनी है माइनस टी बाई टू से लेकर टी बाई टू मतलब कंप्लीट पीरियड पे आपने इंटीग्रेशन यूज़ करनी है दूसरी चीज ये कि इसके अंदर आपके पास एफ एफ टी होगा और साथ डी टी है जिसके लिहाज से आप इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे एक सिग्नल पहले देख लेता हूँ इस सिग्नल को अगर आप गौर से देखें तो कंप्लीट पीरियड के लिहाज से ये ज़ीरो से लेके कर टू तक रहा है जिसमें ज़ीरो से लेके कर वन तक का हिस्सा जो है उसमें एम्पलीट्यूड वन है और वन से ले कर टू तक इसका एम्पलीट्यूड जीरो है तो हम इस पूरे एक इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जीरो से लेकर वन जिसमें एम्पलीट्यूड वन है वन से लेकर टू जिसमें एम्पलीट्यूड जीरो है तो इंटीग्रेशन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इंटीग्रेशन के लिए जो मैटलैब जो में जो फंक्शन है वो है आई एन टी पहले आपने फंक्शन लिखना है जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है फिर आपने वो वेरिएबल लिखना है जिसके लिहाज से आपने फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उसके बाद लिमिट्स लिखनी है लाइक मैंने जीरो और वन लिख दिया ठीक है कि जिन लिमिट्स पे आपने इस इंटीग्रेशन को एवैलुएट करना है अब हमारी फंक्शन जो इंटीग्रेशन है वो तो दो इसे में डिवाइड हो गई है ठीक है इंटीग्रेशन प्लस एक और इंटीग्रेशन ठीक है अब मैं इसका जो मैंने इसका कॉमेंट ख़त्म कर दिया अब इंटीग्रेशन में जो पहली चीज़ थी वो थी फंक्शन का नाम और उसके बाद क्या था कि आपने जो जहाँ से लेके जहाँ तक आपने उसको इंटीग्रेट करना है तो हमने इंटीग्रेशन दो ऐसे में डिवाइड कर दी थी एक जीरो से वन और एक वन से टू मैंने जीरो से वन इंटीग्रेशन लिखी है और टी के लिहाज से कर रहा कराऊँ और इस दौरान हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या था एफ ऑफ टी का वन ठीक है और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या था वो देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन का एम्प्टीट्यूड क्या था वो देखते हैं जीरो uh, से वन के दरमियान आपका जो एम्पलीट्यूड था वो था वन वन से टू के दरमियान जो एम्पलीट्यूड था वो था माइनस वन ठीक है ये माइनस वन नज़र आ रहा है आपको तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस वन ये माइनस वन आ गया टी के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वन से लेके टू uh, तक हमने इसको इंटीग्रेट करना है राइट right? तो ये हो गया ए ठीक है अब इसी तरह हम ए एन फाइंड करते हैं ए एन मैंने इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है जस्ट अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी वो क्या होंगी ये तो देखें जीरो से लेके वन तक इसका एम्पलीट्यूड वन ही रहेगा लेकिन यहाँ पे देखें ए एन में एफ ऑफ टी के साथ कॉज एन ओमेगा टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब जो एम्पलीट्यूड हम लिखेंगे एफ ऑफ टी का एम्प्टीट्यूड लिख रहे हैं उसके साथ हम कॉज एन एन कौन सा है ये आपके सामने वाला ये वाला एन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय टी राइट तो सेम काम हम यहां पे इसके साथ भी कर देते हैं क्योंकि हमने दो हिस्सों समय डिवाइड किया था ये बन गया हमारे पास ए एन अब बात करते हैं बी एन की वो भी बिल्कुल ही था ऐसे ही होगा सिर्फ और सिर्फ जो साइन है उसकी जगह पे सॉरी जो, जो कॉज है उसकी जगह पे साइन आ जाएगा बाकी सारा वही है और ये क्यों ऐसे है इसको देख लेते हैं इसमें हम बी बी एन कह देते हैं ये बी एन हो गया ये जीरो से वन और वन से टू हमने इसलिए किया हुआ क्योंकि आपको दो डिफरेंट एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं ठीक है जीरो से वन तक आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है और वन से टू तक आपको माइनस वन मिल रहा है ठीक है तो इसलिए यहां पे माइनस वन आए हुए ठीक है तो ये एज और बीज आपने कैलकुलेट कर लिया इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं कि हमारे पास ए नॉट क्या उसकी वैल्यू क्या आई है ए एन की वैल्यू क्या आई है बी एन की वैल्यू क्या आई है वो देख लेते हैं पहले तो हम ए नॉट देखते हैं ए नॉट की वैल्यू हमारे पास जीरो आई है अब देखते हैं ए एन ए एन की वैल्यूज़ मतलब ए एन के अंदर पांच वैल्यूज़ होंगी क्यों पांच वैल्यूज होंगी क्योंकि हमने एन जो वैक्टर बनाया था उसमें वन टू थ्री फोर फाइव मतलब ए वन भी कैलकुलेट हुआ है पहली वैल्यू क्या है ए वन की दूसरी ए टू की ए थ्री की फिर ए फोर और फिर ए फाइव फिर इसे इसका बी एन देखते हैं तो बी एन के अंदर वैल्यूज़ हैं पहली वैल्यू है थर्ड वैल्यू है और फिफ्थ वैल्यू है मतलब ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर पाई गई है हर ऑड पोजिशन पे वैल्यूज़ हैं और इवन पोजिशन पे यहाँ पे जीरो है अब ऐसा करते हैं कि हमें ए नॉट ए एन और बी एन तो हमने फाइंड कर ली है अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक नया सिग्नल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या वो वाकई स्क्वायर वेव बनी है कि नहीं बनी राइट तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि आ, एक फॉर फॉलअप यूज करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे समेशन यूज हो रहा है और दूसरा समेशन कहां तक जाएगा वन से लेके एन तक कैपिटल एन के हमारे पास फाइव ठीक है क्योंकि हमारे पाँच एम्पलीटूड uh, या सॉरी हैं फॉर इक्वल टू वन टू एन इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ अब इसके अंदर एक चीज यूज हो रही है समेशन ठीक है समेशन का ये होता है कि आप समेशन uh, एक ऐसी चीज है कि जो हर दफा जो क्वांटिटी को है ना वो प्रीवियस क्वांटिटी में ऐड करता जाएगा ठीक है आपको एक प्रीवियसली भी वैल्यूज चाहिए इसके लिए राइट तो हम ऐसा करते हैं कि एक एफ है ठीक है ये एफ है जो कि एक सिग्नल बनेगा इन दी एंड एफ प्रीवियस एफ में आपने क्या ऐड करना है ए एन आई मल्टीप्लाई बाय ये ए एन आई है ये ए एन के अंदर जब आई की वैल्यू वन होगी तो ए वन उठा लेगा आई की वैल्यू टू होगी तो ए टू इसी तरह जब आई की वैल्यू फाइव होगी तो यहां पे ए फाइव आ जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज एन ओमेगा के साथ यहाँ पे जो एन है वो एक्चुअली अब यहाँ पे जाके ये आई हो जाएगा ठीक है आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पे क्योंकि अब हम सिग्नल बना रहे हैं तो और टी जो था हमारा वो तो सिम्स बना हुआ था तो यहां पे हम के यूज करेंगे क्योंकि हम दोबारा से वेव बनाने जा रहे हैं ठीक है तो के ये हो गया ए एन मल्टीप्लाई हो रहा है आपके कॉस के साथ इसी तरह प्लस बी एन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी एन आई मल्टीप्लाई होगा देखिए बी एन आई मल्टीप्लाई हो रहा है साइन आई ओमेगा साइन आई मल्टीप्लाई ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई बाय के इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो गया हमारे पास एक आ, के हम ए एन और कॉस को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी एन और साइन को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एफ़ जो है ना वो हर दफ़ा ऐड होता जा रहा है अब अब एफ़ की इनिशियल वैल्यू क्या होगी अब हम इस पूरी चीज़ के अंदर समेशन करते हुए हम इसको भूल गए हैं ए नॉट बाई टू को तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एफ़ को इनिशलाइज कर देते हैं ए नॉट डिवाइडेड बाई टू राइट तो ए नॉट डिवाइडेड बाई टू अगर आप करेंगे तो आ, उससे क्या होगा एफ़ में प्रीवियसली एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी जब आप एफ़ को यहाँ पर uh, submission उस पर अप्लाई करेंगे तो प्रीवियसली एफ़ में कुछ ना कुछ वैल्यू बड़ी होगी ठीक है तो अगर आप यहाँ पे एफ़ को इनिशलाइज़ नहीं करते हैं तो प्रीवियस एफ़ जो है उसमें वैल्यू नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको एड कर रहे हैं एक क्वान्टिटी uh, के साथ तो यहाँ पर यह आ जाएगा कि एफ़ आपने सही तरह इनिशलाइज़ नहीं किया राइट तो आप ऐसा करते हैं कि एफ़ को देखते हैं कि एफ़ किस तरह दिखाई देते हैं तो यह मैं यहाँ पे फिगर लिखता हूँ फिगर करने के बाद मैं प्लॉट करता हूँ प्लॉट करने के बाद मैं के को क्योंकि यहाँ पे आपने K के के लिहाज से अपना सिग्नल जनरेट किया था तो के को मैं अगेंस्ट एफ प्लॉट करके देखता हूँ ग्रिड ऑन भी यूज कर लेता हूँ ग्रिड ऑन अब हमारे पास दो ग्राफ्स आएंगे एक आएगा जो कि हमारा ओरिजिनल जो था इधर भी ग्रिड ऑन कर देता हूँ एक हमारा ओरिजिनल जो हमारी स्क्वायर वेव थी और दूसरे दूसरी फिगर जो आएगी वो हमारे पास वो जो हमने अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर वेव बनाई है तो ये स्क्वायर वेव देखें कि कुछ उसी तरह ही है कि ये माइनस वन टू वन थी और जीरो से वन के दरमियान इसका एम्पलीट्यूड वन था और वन से एम्पलीट्यूड वन से टू तक इसका एम्पलीट्यूड माइनस वन था तो ये देखें तकरीबन उसकी मिमिक्री इसने करने की कोशिश की है हमने अभी हमने एन की वैल्यू फाइव यूज़ की हुई है एन की वैल्यू हम जितनी इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना बेटर हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन होती जाएगी तो ऐसा करते हैं कि आपके आपको दिखाने के लिए मैं दोनों फिगर एक ही विंडो में ले आता हूं ठीक है तो उसके लिए दोनों को मैं बाद में लिख लेता हूं होल्ड uh, ऑन और इसी तरह यहां पे होल्ड ऑफ कर देते हैं ठीक है अब ये दोनों फिगर्स एक ही दोनों प्लॉट्स जो है ना वो एक ही फिगर में आ जाएंगे ठीक है तो अब ये अंडरस्टैंडिंग uh, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी कि जो आपके पास जो ब्लू लाइन है वो क्या है वो स्क्वायर वेव है और जो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटेड सिग्नल uh, है जो कि आपके फोर ईयर सीरीज़ ने बना के आपको दिया ठीक है तो अभी आपने एन की वैल्यू क्या रखी हुई थी फाइव तो एन की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करते जाएंगे उतनी ही अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होती जाएगी ठीक है अब ऐसे करते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पे टेन uh, यूज़ करके देखते हैं ठीक है कि क्या आती है ये देखिए टेन एन की वैल्यू टेन यूज़ करने से अप्रोक्सीमेशन मज़ीद अच्छी हो गई है तो अगर आप यहाँ पर टेन यूज़ कर लें ठीक है तो सिग्नल uh, की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और आपके पास स्क्वायर वेव जो है ना वो उसके uh, क्योंकि इसका टाइम पीरियड टू है तो इसको आपको पांच साइकिल नजर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर वेव आप कैसे अब ज़्यादा साइकिल आपको नजर आएँगे अभी तो ढाई साइकिल आपको नजर आ रहे थे अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टेन कर दिया तो टेन सेकेंड्स की आपके सामने स्क्वायर वेव आएगी और उसकी अप्रॉक्सीमेशन भी आएगी क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन भी के के लिहाज से जनरेट किया ये देखें आपके पास अप्रॉक्सीमेशन आ चुकी है तो ये अप्रोक्सीमेशन मजीद अच्छी हो गई है आप जितनी एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे कंप्यूटेशन कम, कम्प्लेक्सिटी का भी इशू है आपके पास रिजल्ट देर से आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर हार्डवेयर तो आप अगर आपका तो जी पी वगैरह अच्छा है तो आप उसके लिए जो है ना एन की वैल्यू बड़ी भी कर सकते हैं तो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू टेन यूज़ की है अब ऐसा करते हैं कि यहाँ स्क्वायर वेव क्योंकि अभी कौन सी बनी हुई थी माइनस वन टू वन तो अगर इसमें आप वन ऐड कर दें ठीक है अगर आप इसमें वन ऐड कर दें तो ये स्क्वायर वेव कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगी पहले ये देख लेते हैं मैं ज़रा इसको आ, इस प्लॉट को भी खत्म कर देता हूं टू है जो और वन से लेके टू के दरमियान इसका जीरो है, ठीक है? अगर आप इस तरह की स्क्वायर वेव को अगर अप्रॉक्सिमेट करना चाहते हैं तो यहां पे आपको जो इंटीग्रेशन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी देखिए जीरो से वन के दरमियान आपका एम्पलीट्यूड अब पहले क्या था वन अब क्या हो गया टू ठीक है तो मैंने यहां पे सारों में टू कर दिया राइट right? और इसी तरह जो वन से टू के दरमियान जो आपका एम्पलीट्यूड था वो पहले माइनस वन था अब क्या हो गया जीरो यहाँ पे जीरो आ गया ठीक है वो क्यों आया क्योंकि मैंने उसके अंदर वन वैल्यू का एक वैल्यू का शिफ्ट दे दिया था अब इसको देखते हैं कि आपके पास ये जो ग्राफ है ये किस तरह दिखाई देता है तो ये देखें आपकी अप्रॉक्सीमेशन हो चुकी है जिसमें आप जीरो से लेके आपने टू तक की वेव बनाई थी और वो आपके फोर ईयर सीरीज ने अप्रोक्सीमेट कर दिया तो सारा सारा डिपेंड किस पे कर रहा है मैक्सिमम डिपेंडेंसी आपके फोर ईयर पे है ए नॉट ए एन और बी एन क्योंकि एन की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं और उससे हमारी अप्रोक्सीमेशन अच्छी हो रही है तो हम एन को डिक्रीज करके देखते हैं कि हमारी अप्रोक्सीमेशन कैसे होती है मैंने एन की वैल्यू यहाँ पे वन सेट की ली है आप देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन किस तरह होती है ये देखिए ये कोई मतलब लग ही रहा कहीं से कि ये जो है ना स्क्वेर वेव है ये तो ए, एक किस्म की सान साडल ही है राइट तो आप एन की वैल्यू जितनी इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास रिजल्ट अच्छे होते जाएंगे अप्रोक्सीमेशन अच्छी होती जाएगी ठीक है तो ये उसी तरीके से आप अपने आप को चेंज करेगी और फोर सॉरी स्क्वायर वेव की तरफ जाने की कोशिश करेगी ठीक है तो अब एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं कि जो एक्चुअली हमारे पास जो फोर ईयर है फोर ईयर सीरीज़ है उसमें जब आप इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ कोफ़िशंट्स तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा होता तो ये एन की वैल्यू जितनी इंक्रीज़ होती जा रही है तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन उतनी अच्छी होती जा रही है ठीक है तो स्क्वायर uh, वेव जैसी दिखने की कोशिश करेगी अब भी आपकी फोर ईयर अप्रॉक्सीमेशन ठीक है तो आप जो सम और साइंस और हैं इसमें जब नंबर ऑफ़ कोफ़िशेंट्स और नंबर ऑफ़ साइंस को साइंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उससे एक्चुअली आपके पास uh, जो अप्रोक्सीमेशन uh, है वो अच्छी होती जा रही है तो ये था कि आप uh, ये था थोड़ा सा इंट्रो और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कि आप कैसे फोर ईयर सीरीज़ को मैटलैम में यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए तो तो हमने आज जो सिग्नल देखा है वो स्क्वायर वेव है जिसको हमने स्क्वायर जिसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू